सारी रात इधर काम करता हूँ, तो जो दो गुजर रहे थे उन्होंने देखा भाई अकेला है, तो वो इधर को आ गए। नहीं इधर जब रात के 3 बजते हैं ना सन्नाटा हो जाता है, फिर मैं अकेला ही होता हूँ शॉप पे, पूरी रात में सर्विस है। अच्छा उन्होंने देखा ये अकेला खड़ा है, वो मेरी तरफ आए, उन्होंने आते ही लिए दोनों के पास पिस्टल थे और मेरे कानपट्टी पे लगाए हैं, अंदर ले गए हैं। उन्होंने सोचा इसको अंदर जाकर लूट लेते हैं, लेकिन अंदर मेरे 5 फ्रेंड और भी बैठे हुए थे जो बर्गर खाने आए थे। कभी जिंदगी में डकैत देखे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा ये डकैत नहीं आम से लोग हैं। तो बस ये है कि फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अकल दी, मैंने उनको पकड़ लिया। 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आ गए आधे घंटे में। डकैतों को पकड़े आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, बाद आपके दिमाग में कोई आइडिया प्लान आना चाहिए, कोई दाव पेच होना चाहिए, आपको पता हो कि यार इनको कैसे हमने बातों में लाना है। किसी डकैत को देखता ना उसको भी इंसान ही समझे, उसको ये ना समझे ये अफलातून है, ये बला है बड़ी, तो पकड़ा जाता है, बड़ा आसान है, बस आप नियत करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करंट बर्गर पर, और करंट बर्गर पर एक डकैती हुई है। उस दौरान यहाँ पर काफी खेतों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, गुतम गुथा और क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ, आज जाने की कोशिश करेंगे करंट बर्गर के ओनर से और जानते हैं ये वाकया कैसे पेश आया और किस तरह से को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। यार तुसी खेत फड़ा रहे फिर भी सुकून ना हंस रहे हो तुसी? बस यार अल्लाह का करम है, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिसे अल्लाह चाहे जिल्लत दे। बस ये है कि सुबह के 4 बजे होते मैं सारी रात इधर काम करता हूँ, तो जो दो गुजर रहे थे उन्होंने देखा भाई अकेला है, तो वो इधर को आ गए। तो क्या अकेले यहाँ पे अकेले बर्गर बेचते हो? कोई बाहर आवाम नहीं होती सुबह के 4 बजे? नहीं इधर जब रात के 3 बजते हैं ना, 2-3 बजते हैं, लोग सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, फिर मैं अकेला ही होता हूँ शॉप पे, पूरी रात में सर्विस है, इसीलिए मैं काम करता रहता हूँ, तो काम करने से नाम हुआ क्या था? वारदात कैसे उन्होंने की? अच्छा उन्होंने देखा ये अकेला खड़ा, वो मेरी तरफ आए, उन्होंने आते ही लिए दोनों के पास पिस्टल थे। अच्छा। और मेरे कानपट्टी पे लगाए हैं, अंदर ले गए हैं। उन्होंने सोचा इसको अंदर जाकर लूट लेते हैं, लेकिन अंदर मेरे 5 फ्रेंड और भी बैठे हुए थे जो बर्गर खाने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा और भी भाई बैठे हुए, उन्होंने उनको खड़ा किया, उनके पैसे निकालने शुरू कर दिए। अच्छा। तो पैसे निकाले हैं, तो बस वो मेरे दिल में गुस्सा आ रहा था, जुनून आ रहा, ख्याल आ रहे थे, इंसान को ख्याल आते हैं। फिल्में देख के कोई फिल्मी हीरो तो नहीं दिमाग में आ गया? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था इनसे बचना कैसे है ये वो, मैं उनसे माफी मांगने लगा और बस मैं उनसे माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दे चले जाए, लेकिन वो जा नहीं रहे थे ना, वो सब पैसे ले लिए थे, पैसे और सब दोस्तों से निकाल लिए उन्होंने। जब मेरे पास आए, मेरे पास पैसे निकालने लगे हैं, उन्होंने देखा इसकी जेब में पैसे हैं, मेरी पॉकेट में पैसे थे 15,000 रुपए, उन्होंने निकालने लगे हैं, मैं हाथ डाला है, मैंने उनको पकड़े जमीन के साथ लगा दिया उसी टाइम जोर से, और ऊपर से मैंने एक थप्पड़ मारा उसको, खाची दो एक को मारा, दूसरे जिनने दोस्त थे ना उनको गुस्सा आ गया, यार उसे पकड़ लिया, वो भी पकड़ लो, सारों ने हमला कर दिया, पकड़ने लगे वो भाग गया, दूसरा भी बैंक के भाग गया। अच्छा। तो दो भाई पीछे भागे, वो पकड़ के लाए उसको, फिर दोनों को हमने 25 में मारा है, और दो जिसके जो पैसे थे हमने सबको वापस किए हैं। अच्छा। तो मुझे अगर वो पैसे ले जाते तो हमारी बहुत बड़ी बिस्ती थी, वो दोस्त समझना था इसने जान बुझ के डकैत पड़वाए हैं, हमारे पैसे निकलवाए हैं। तो यार डकैत जो होते हैं उनसे तो वैसे लोग बड़ा डरते हैं, आपने कैसे हिम्मत कर ली? कभी जिंदगी में डकैत देखे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा ये डकैत नहीं आम से लोग हैं। हाँ। इसलिए कभी ख्याल में नहीं सोचा था, क्योंकि अगर डकैत आते हैं ना तो वो लोगों को लूट रहे थे, मैं सुन रहा था इस तरह की बातें। अच्छा। कि लोगों को लूट के ले गए हैं, जब मेरे पास आए हैं तो मुझे ऐसे लगा ये आम से आदमी, पकड़ लो मारो। लड़के थे या तगड़े? कोई लड़के ही थे, लड़के थे, स्लिम पतले से? जी जी। अच्छा। तो बस ये है कि फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अकल दी, मैंने उनको पकड़ लिया और पकड़ के फिर खूब मारा, 25 मिनट मारते रहे हैं। 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आ गए आधे घंटे में। ठीक है। तो दो उनके पास एक होंडा 125 था जो पीछे से लेके आए थे, और उनके जो पैसे 200 मैंने उनको वापस करवा दिए। अच्छा, मैंने इस दुकान के बारे में सुना है कि यहाँ पर बड़ा एंटरटेनिंग सिस्टम भी होता है। जी जी, अल्लाह का खुद सुना है, आर्टिस्ट हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं फेमस हूँ यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो पे, आप मेरा नाम कहीं भी लिखेंगे मेरा नाम करंट बर्गर आ जाएगा आपके पास। अच्छा। और फेमस होने की वजह ये है, नाम है करंट बर्गर की दुकान का, करंट बर्गर शॉप का नाम है, लेकिन वो मेरा ब्रांड है, क्योंकि मैंने नाम रखा ना करंट, जो दुनिया में फेमस हो जाए, इसलिए मुझ में करंट था, जो भी टिकेट आया मैंने उसको पकड़ लिया, करंट लगा दिया। जी, जो भी धोखा करता है ना उसको मैं पहचान जाता हूँ पहले ही। ठीक है। तो ये है कि इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, कि इंसान जो है ना वो कभी भी डरना नहीं चाहिए इंसान को, अल्लाह ताला इंसान को बड़ी ताकत दी हुई है, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मजाक मेरे फन का, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं,
शाहरुख खान। माँ मुझे कहती थी तू बड़ा होके बात करेगा ना, बड़ा होके जब लोगों से मिलेगा तो लोग तेरे फैन हो जाएंगे। आज वो दिन आ गया माँ। अच्छा और किसकी मिमिक्री कर लेते हैं? एक्चुअली मेरे अब्बा ना वो कहते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर स्टार नहीं बनोगे, तो मैं बर्गर वाला बन गया। तो मुझे बताएं ये लड़की बन के भी बात कर लेते हैं और वो ना मुन्ना है ना, मुन्ना वो बात करता है, मैं नहीं करता लेकिन मुन्ना है मेरे अंदर। क्या बात है यार, एक कलाकार बड़ी हिम्मत की बात है, एक कलाकार एक आर्टिस्ट टाइप बंदा जो है वो डकैतों को पकड़ रहा है, बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि कितने बर्गर सेल होते हैं एक दिन? जी एक दिन में मैं 200 से 250 बर्गर सेल कर लेता हूं और ये एक टेस्ट है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और डकैती के बाद कितने होने लग गए? और अब तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हूं और अब तो 300-400 भी हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी काम ही करने की कोशिश करता हूं कि काम ही बेचूं। अच्छा, ज्यादा डकैत फिर ना आ जाए, ज्यादा बेच के तबीयत ना खराब हो जाए ना, मेहनत का काम है बहुत ज्यादा। अच्छा ये एक सिंपल सी बात है, डकैत जब भी आते हैं अल्लाह ताला उनसे बचा के रखे, वो ख़तरनाक होते हैं। इन्होंने जो काम किया ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या पकड़ना चाहिए उन्हें या उनसे जान छुड़वानी चाहिए? डकैतों को पकड़ें, आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए पहले तो, उसके बाद आपके दिमाग में कोई आइडिया प्लान आना चाहिए, कोई दाव पेच होना चाहिए, आपको पता हो कि यार इनको कैसे हमने बातों में लाना है। अच्छा डकैतों को देख के लत्तां विसा निकल जाती है, तुसी कहंदे हो कि आप उनसे माफ़ी मांगे पहले, जब आए माफ़ी मांगे, क्योंकि आपके वो ऊपर मसलत हो गए हैं ना, जैसे हमारे ऊपर आप डकैत और चोर मसलत होते हैं, इसी तरह वो आ गए हमारे ऊपर जो आगे तान ली है, तो आप उनसे माफ़ी मांगें, फिर उनको आस्ता आस्ता बातों में लाएं ताकि उनको काबू करें। जब इंसान किसी डकैत को देखता है ना, उसको भी इंसान ही समझे, उसको ये ना समझे ये अफलातून है, ये बला है बड़ी, तो पकड़ा जाता है, बड़ा आसान है, बस आप नियत करें कि यार इसको दाव पेज में ला पकड़ें। मतलब आप देखने वालों को ये बोल रहे हैं कि भाई डकैतों से डरना नहीं है, आप खौफ निकाल दें, क्योंकि जब तक आपके अंदर खौफ है ना, तब तक आप गुलाम हैं, तब तक आप डरते हैं, तब तक आप मरते हैं, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर डर है। जब आपका डर निकल जाए, कोई डकैत कोई चोर कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा। बड़ी बात है जी, बड़ी हिम्मत की बात है कि एक आर्टिस्ट टाइप बंदा, आर्टिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पहले ड्रामों में काम कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने छोड़ के बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ये कहते हैं कि वालदेन की दुआएं इसके अंदर शामिल, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डकैती की। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है, क्या डकैतों को इस तरह से पकड़ना चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए? माँ के लिए बोलूंगा, दास्तान मेरे लाड प्यार की फकत एक हस्ती के गिर्द घूमती है, दास्तान मेरे लाड प्यार की फकत एक हस्ती के गिर्द घूमती है, जन्नत से मुझे इसलिए प्यार है कि वो मेरी माँ के कदम चूमती है। तो जब माँ की दुआ हो तो दुनिया में बंदा कामयाब होता है। बस ये है कि माँ की खिदमत करने वाले जो है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोग हैं, उनको खिदमत करनी चाहिए, माँ की दुआएं लेनी चाहिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। दोस्तों इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।